स्टूडेंट्स ये चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जाम्पल नंबर सिक्स है राइट तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर विद इट्स लेंथ वन मीटर मोर देन इट्स ट्रेड वट शुड बी देंथ एंड ब्रेड ऑफ दॉल ठीक है इस क्वेश्चन में आपके पास एक चैरिटी हॉल गिवन है ठीक है जिसने डिसाइड किया है कि एक प्रेयर हॉल जो है 300 हंड्रेड स्क्वायर मीटर एरिया का फॉर्म करना है राइट यहाँ बिल्ड करना है अब इसकी जो लेंथ है ठीक है वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ ब्रेड प्लस वन के इक्वल आ रही है दैट मीन्स कि जितनी ब्रेथ है उसमें जब आप वन मीटर ऐड कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी लेंथ के इक्वल आ जाएगी आपने जो है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल फाइंड आउट करनी है राइट right? सो so, इसे भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड के साथ सॉल्व करेंगे राइट right? सो so, उसके लिए फर्स्टली हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे राइट right? सो so, पहले गिवन वैल्यूज देख लेते हैं सो गिवन वैल्यूज में एरिया ऑफ दी चैरिटी ट्रस्ट हॉल ये गिवन है थ्री हंड्रेड मीटर स्क्वायर सो स्क्वायर मीटर्स का मतलब है कि ये मीटर स्क्वायर मेंशन किया गया है राइट अब यहां पे जो गिवन वैल्यूज हैं इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो लेंथ है ठीक है वो ब्रेड के ट्वाइस प्लस वन के इक्वल है राइट सो so, सबसे पहले मुझे जो ब्रेड है वो अज्यूम करनी पड़ेगी सो लेट दी ब्रेथ ऑफ हॉल ये हम x मान लेते हैं राइट सो so, लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ ऑफ हॉल विल बी टू आइस ऑफ ब्रेड सो टू एक्स आ गया प्लस वन मीटर राइट सो so, वन आप एड कर दोगे राइट अब अगर हम एरिया का फॉर्मूला देखें तो एरिया ऑफ हॉल ये किसके इक्वल आएगा इट विल बी लेंथ इन टू

x इक्वल टू थ्री हंड्रेड आ गया राइट सो so, जब आपने x को टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया सो so इट x, x आ जाएगा राइट एंड इट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड अब ये जो थ्री हंड्रेड है इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा राइट सो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल टू जीरो बन गया अब हमने स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म मेथड जो है वो यूज करना है राइट right? कि ये जो मिडल टर्म है इसे हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जब तो हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो टू एक्स स्क्टू माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल टू माइनस सिक्स हंड्रेड एक्सक्वायर की इक्वल आएगा और जब सम करेंगे तो वो प्लस एक्स के इक्वल आएगा राइट सो यू कैन राइट हियर कि हमने ये जो मिडल टर्म है इसे इस तरह से स्प्लिट करना है इसका जो प्रोडक्ट है मतलब कि ये जो दो वैल्यूज आएंगी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास टू एक्स स्क्वाइनस थ्री हंड्रेड मीन माइनस सिक्स हंड्रेड एक्स x के इक्वल आना चाहिए राइट तो ये जो मिडल टर्म है इसे जब मैं स्प्लिट करूंगी तो इसे हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं अगर मैं माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स कर देती हूँ राइट सो ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड होता है लेकिन जब आप ट्वेंटी तो वो x के इक्वल आ जाएगा राइट सो so, ये वैल्यू जो है हम अपनी इक्वेशन के लिए यहां पे लिख देंगे सो so, हमारी इक्वेशन क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल टू जीरो मिडल टर्म है इसे स्प्लिट कर लेते हैं so, माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल टू जीरो आ गया राइट सो so, ये दो वैल्यूज हम इकट्ठी कर लेते हैं ये दो वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं राइट अब ये जो दो फर्स्ट ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज आई हैं इनमें से हम कॉमन वैल्यू देखते हैं राइट सो so, मैं इसमें से टू एक्स जो है वो कॉमन निकाल लेती हूँ पीछे क्या रह जाएगा एक्स माइनस अब ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर होता है तो पीछे हमारे पास ट्वेल्व रह गया राइट एंड यहां से हम ट्वेंटी जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं राइट तो ट्वेंटी फाइव आपने जब कॉमन निकाला तो पीछे क्या रह गया एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व ये किसके इक्वल आता है ये थ्री हंड्रेड के इक्वल आता है राइट तो पीछे क्या रह जाएगा ट्वेल्व रह जाएगा और ये ओवरऑल इक्वल टू जीरो आ गया राइट अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज आती हैं, राइट सो वो हम इकट्ठी कर लेंगे so, 2x plus 25 आ जाएगा, right? And दूसरी में में और ये ये बन गया, right? अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं, राइट इनसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक साइड में टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो रख लूंगी और दूसरी साइड एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो रख लूंगी राइट right? सो so, ये जो ट्वेंटी है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का जाएगा. So, यहां पे 2X minus 25 आ जाएगा सो यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो so, ये जो टू है इसे हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे ट्वेंटी फाइव बाई टू आ गया ट्वेंटी फाइव बाई टू इट विल बी ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ जाएगी नाउ एक्स ये माइनस का ट्वेल्व जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये ट्वेल्व हो जाएगा राइट तो एक्स की एक वैल्यू हमारे पास माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ रही है और दूसरी वैल्यू ट्वेल्व आ रही है अब हमें पता है कि ये जो एक्स की वैल्यू है ये ब्रेथ ऑफ दी हॉल बता रहा है राइट और डायमेंशन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती सो ये जो वैल्यू है एक्स की ये हम इग्नोर कर देंगे राइट सो यू कैन राइट ओवर हियर सिंस एक्स इज ब्रेथ ऑफ the hall it cannot be negative so the value of x equal to minus 12.5 can be ignored कि ये जो हमारे पास 12.5 वैल्यू आई है एक्स की इसे हम इग्नोर कर देंगे सो वैल्यू ऑफ एक्स और यू कैन से सो ऑफ हॉल जो कि हमने एक्स ज्यूम की थी वो किसके इक्वल आ गई 12 मीटर के इक्वल आ गई राइट right? अब हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है सो so लेंथ हमने क्या ज्यूम किया था लेंथ ऑफ हॉल ये हमने टू एक्स प्लस वन ठीक है इसके इक्वल एज्यूम की थी राइट सो टू इंटू एक्स की जगह पे हम डेफिनेटली ट्वेल्व ले लेंगे प्लस वन आ जाएगा और ये वैल्यू भी हमारे पास मीटर में आ रही है सो टू इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर आ गया प्लस वन राइट सो ट्वेंटी फोर प्लस वन इट विल बी ट्वेंटी फाइव मीटर दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो हॉल है इसकी लेंथ जो है वो ट्वेंटी फाइव मीटर आनी चाहिए और ब्रेथ जो है वो ट्वेल्व मीटर आनी चाहिए